राम लीला मैदान दिल्ली से सर धक्का मत दीजिए अरे धक्का नहीं अरे अरे हटो हम हट जाएंगे कोई बात नहीं है सर हट करो इनसे ना पूछना चाहिए नहीं आप हटो मत खबर भी तो दिखाना है ना सर आप दिखाओ लेकिन इतना खटारा बस में जी लात मार के घुसाया जाता 3-3 रुपए कहे बैठे थे जब इसमें लैगेज कहां से आया इसकी जांच कीजिए ना सर और इसमें मेरा 20,000 रुपए दब गया पर्स भी गया मोबाइल भी गया सब चीज गया पूरी गुंडागर्दी है परिवहन विभाग को इन्होंने रखेल बना के रख लिया है तो उसने शराब पीने के बाद वहीं से शराब पीकर चला रहा था शराब पीकर इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हैं और दिल्ली से बिहार जाने वाली एक पैसेंजर बस पलट गई है मित्रों लेकिन पैसेंजर बस को सिर्फ और सिर्फ ट्रक बनाकर आगे ले जाया जा रहा था इसको आप देख सकते हैं ये पूरा बस को ट्रक बना दिया गया था और जिस बस में इंसान को बैठना चाहिए उस बस में इंसान तो थे ही साथ में दिखे कितने कार्टून लदा हुआ है और दिल्ली से चली बस बिहार के लिए जा रही थी और अयोध्या के चिर्रा जगनपुर में यह हादसे का शिकार हो गई है ये पलट गई है पूरी बस और ये दिखाइए इधर क्रेन्स के माध्यम से बस को हटाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है मेरा नाम बिहारी कुमार पड़ेगा कहां से आ रहे हैं दिल्ली से आ रहा है दिल्ली से इसी बस में थे जी इसी बस में थे इसी खटारा बस में जी लात मार के घुसाया जाता 3-3 रुपए कहे बैठे थे जब लात मारा जा रहा था तो कॉलर पकड़ के घुसेड़ दिया 11 बजे रात को घुसेड़ दिया अंदर में वापस नहीं जाने देता और इसमें मेरा 20,000 रुपए दब गया पर्स भी गया मोबाइल भी गया सब चीज गया मैं कोई मारा तो नहीं है नहीं मारा तो नहीं लेडीज मेरे साथ में बैठी थी उसका हाथ दबा हुआ है त्योहार का समय है और बस वाले इतनी ना मनमानी करते हैं सर कि 10 लोगों की जगह एक बस में गधा और कुत्ता की तरह 50-50 लोगों को ठोस कर लेकर जाते हैं और यही कारण है कि दिल्ली से चली बसें जो है वो हादसे से शिकार हो जाती है अब देखिए जरा ये लोग जो है इन लोगों का समस्या है कि ये लोग जो है इस बस में तो आए थे लेकिन बस इस वक्त हादसे का शिकार हो गई ये बताइए कौन को आप कहां से आ रहे थे जी दिल्ली से आ रहे हैं कहां जा रहे थे बेतिया जिला जरा में बेतिया जा रहे थे नगर पड़ेगा हम लोग का सर हां जान बचा रहे हैं बचाइए ना जान बचाने में कोई दिक्कत नहीं चिल्लाओगे तो चार आदमी तुम्हें देख रहा है ना आप थोड़ा देर हट जाओ हम हट जाएं नहीं आप हटो मत खबर भी तो दिखाना है ना सर आप दिखाओ लेकिन इतना ये देखो तुम्हें देख रहा है सब लोग आप हट जाओ ना हम हट जाएंगे कोई बात नहीं है सर हट करो इनसे ना पूछना चाहिए इनकी समस्याएं क्या है अब चलिए आराम से ये सामान दिखाइए कहां से आए कहां जाएंगे सर रामलीला मैदान दिल्ली से सर धक्का मत दीजिए अरे धक्का नहीं अरे अरे हटो यहां से कहां से आए कहां को जा रहे थे दिल्ली से रामलीला मैदान से आ रहे हैं अब बेतिया जा रहे थे जी बस में कितना लोग था बस में 300 से ज्यादा आदमी था सर 300 से ज्यादा आदमी था और ओवरलोड सामान भी लोड किया सर नहीं दिखाएंगे सर उसके बाद समस्या है ना सर इसमें लैगेज कहां से आया इसकी जांच कीजिए ना सर बस के अंदर शोर ना मचाओ हर चीज की जांच होगी ठीक है अब कहां से आ रहे कहां जा रहे थे रामलीला मैदान से हम लोग आ रहे हैं दिल्ली से और बेतिया जा रहे थे मोदीयारी जी मैं बयान देता हूं बोलिए इसी देश के लोग हैं सर मैं सिर्फ सुहावल समाचार चलाता हूं यहां पर प्राइवेट बसों की इतनी मनमानी है पूरी गुंडागर्दी है परिवहन विभाग को इन्होंने रखेल बना के रख लिया है दो पैसेंजर रौनाही थाना के सामने चेकिंग में खड़ा कर दिया था दो पैसेंजर वहां बस में बैठे मर गए वो लोग उसके बाद उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं उसके बाद 300 में नहीं जो यात्रियों का बयान हमने नोट किया 300 यात्री इसमें बस में थे और इतने गट्ठे लदे हुए इसके ऊपर से बाराबंकी के पास ढाबे पे उसने ड्राइवर ने जो पैसेंजरों का कहना है उसने शराब पीने के बाद वहीं से शराब पीकर चला रहा था उसके बाद वहीं से अनियंत्रित होकर आया यहां पर पलट दिया अब ये लोग कानून व्यवस्था बनाने के लिए टाइट कर रहे हैं लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है जो भी गलती है परिवहन विभाग की है परिवहन विभाग की गुंडागर्दी है परिवहन विभाग भ्रष्ट है पूरी तरीके से यह है कि दिल्ली से चली बस अयोध्या पहुंच गई और परिवहन विभाग ने इसकी जांच तक नहीं की जांच नहीं की एक एक पैसेंजर से जो हमने बयान लिया है वो नीचे गलियारे में बैठ के एक के ऊपर एक बैठ के आ रहे थे रास्ते में कोई आरटीओ नहीं मिले लोग बैठे थे इस बस में सर मोटा मोटी 300 आदमी था और कितने लोगों की सीट है स्लीपर है या जो है सीट वाली है सीट वाली तो बहुत कम है इसमें सीट तो बहुत कम है मगर तुम लोग बैठ कर है यार जब 10 आदमी की जगह में 300 आदमी को बिठा के गुस्सा रहा था हर व्यक्ति के वो बात किया हर व्यक्ति के सीट मिलेगा 2,500-3,000 लिया गया है हर व्यक्ति के सीट मिला गया कहां जा रहे थे हम दिल्ली से बिहार जा रहे थे 5,000 रुपए लेकर मोतिहारी से रहने वाले हैं हम लोग मोतिहारी जा रहे थे तो हम लोग काट दिया उसके बाद जबरदस्ती पैसा ले लिया उसके बाद फिर नहीं जाएंगे वो बोलता नहीं जाना पड़ेगा नहीं तो एक भी पैसा से भी मार रहा था
वो बस के लोग गरीब हैं। बिहार के नीतीश कुमार का बयान आपने सुना ही होगा, बेशर्म है बिहार की सरकार कि इनके दर्द को नहीं समझ पाती। उनके दलाल आरटीओ वाले हैं, दलाली करके एक बस में 300 आदमी को वहां ले जाके छोड़ रहे। उनकी आंखें नहीं खुल रही, ये बेचारे गरीब घर के हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे बताइए। इतनी गुंडागर्दी है यहाँ फैजाबाद अयोध्या के आरटीओ की। चेकिंग के दौरान दो आदमी बस में बैठे बैठे मर गए, इनकी आत्मा मर चुकी है पूरी तरीके से। सोचिए कि बालासोर में ट्रेन हादसा होगा तो बिहारी मरेगा, बक्सर में ट्रेन हादसा होगा तो बिहारी मरेगा, और इसके बाद कहीं भी बस पलटेगी तो कोई ना कोई बिहारी हादसे का शिकार जरूर हो जाएगा। अब सोचिए कि वो तो सौभाग्य हम लोग इधर से जा रहे थे, देखे और पता चला कि ये जो स्थिति है, ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना, अररिया जिला। अररिया जाना है? हाँ। तो कहाँ से बैठी थी आप? दिल्ली से। दिल्ली से बैठी थी। जरा सोचिए, ये बच्चे हैं, अपना सारा सामान लेकर जो है ये मान जा रहे थे दिल्ली से बिहार के लिए। अब हादसे का शिकार हो गया है, क्या होगा? हम लोगों ने निकाला है, हाथ पकड़ पकड़ कर इसको छोड़ दिया, इसकी पाजर में ऐसा चोट लग गया कि छेद हो गया है। दिखाओ ना। ये बताइए अब कैसे जाइएगा? अंदर बाहर क्या करेंगे? ड्राइवर कहाँ गया, इसका मालिक कहाँ गया? ड्राइवर भाग गया, मालिक वही रहा। पलट कैसे गई, कैसे पलटी? ये आगे में गाड़ी था, उसके बाद ब्रेक मारने के बाद ऐसे ऐसे किया, उसके बाद पलटी मार दी। कितने बजे कल बस चली थी? 11 बजे रात की। और 11 बजे चली थी और 5 बज गया है पहुँचते पहुँचते यहाँ, मतलब 500 किलोमीटर का सफर। 5 जो है वो तो आदमी को खाली रात के बजे से फायदा उठा रहे हैं, इतना रुपया दे दो, इतना रुपया दे दो, 5,000 दे दो, 4,000 रुपया दे दो, गैलरी में 3,000 रुपया। एक बैग के 300 रुपया दिया है तो बैग लाने दिया है वो, 300 रुपया बैग का, 300 रुपया लिया है सर इस बैग का। सामान में पैसा लेता है, रोटी खाने के लिए, फिर भी बोल रहा था मासूद जल्दी पैसा दे, भाग यहाँ से। पैसा कर रहा था, गाली दे बहुत मार मार मार। आपका परिवार है? नहीं, ये हमारा छोटा लड़का, देखिए इसके बाजार में। आप किसके साथ थे? हम लोग, ये मेरा भाई है जी। आपका आपका आप किसके साथ थे? ये हम अकेले हैं, वो सब मेरा गांव का है। सामान अपना अपना ढूंढो पहले, बाकी यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था ये लोग जो है करवाएंगे। देखिए बस जो है वो किस तरीके से ये एकदम जो है हादसे का शिकार हो गई है, ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो है ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है। अब सोचिए कि कल 11 बजे रात में ये बस चली हुई थी और शाम को यहाँ पर 5-6 बजे लगभग हादसे का शिकार हो गई है, यानी 700 किलोमीटर का सफर जो है वो लगभग जो है इस बस ने, खटारा बस ने 18 घंटे में कंप्लीट किया है। और दिल्ली से एक्सप्रेस वे होते हुए 10-12 टोल पड़ा, इसके बाद एक्सप्रेस वे होते हुए ये बस जो है यहाँ पहुंच गई, लेकिन कोई इसको रोका तक नहीं है। अब हम इस वक्त अयोध्या में थे, इन बिहार के लोगों की समस्या को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हर बार बिहार के लोग ही हर हादसे में शिकार क्यों होते हैं। रवि जी, मैं बिहार के परिवहन मंत्री जो धृतराष्ट्र बने वहां बैठे हैं, इन बिहारियों का दर्द नहीं महसूस करते हैं? मैं पत्रकार हूं, यहां का प्रशासन हमेशा हमको सहयोग करता है, लेकिन आज इनके खिलाफ मैं खड़ा हूं, क्योंकि ये बिहारी भी किसी घर के परिवार हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, पति हैं किसी के घर के, यहीं पर परिवहन विभाग खड़ा करके अपनी गाड़ियां वसूली करता है, और इन लोगों जिन बस में ये बैठ के आते हैं उनसे वसूली करके एक बस में 300 आदमी लेके जाता है, लेकिन परिवहन विभाग पूरी तरह से धृतराष्ट्र बना है, उसको समझ में। अभी 20 दिन पहले 2 आदमी चेकिंग में इनके मर गए, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक बाल भी किसी का बांका नहीं हुआ। ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य कहा जाएगा। तेजस्वी यादव को मैं क्या कहूं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। तुम बिहार में कहां की नौकरियां दे रहे हो? ये बिहारी जा के भूखों मर रहे हैं, 2-2, 10-10 हजार, 5-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं और रास्ते में मर जा रहे हैं सब लोग। चलिए सही है। और भैया बहुत अच्छा बात बोला। अच्छा तो बोल रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन इनकी? अच्छा बोलने वाले को तो जेल में डाल दिया जाता है। डाकू है, डाकू, डाकू। चलिए इस स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, बाकी इसका जिम्मेदार कौन कि बसें दिल्ली से चलती हैं, बिहार के लिए निकलती हैं, रास्ते में हादसे का शिकार हो जाती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं, यहाँ किसी के हाथा-हाथ होने की खैर खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है, जैसे इनको खबर मिली, ये बड़ी मुस्तैदी के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया है, बस को रोड पर से हटाकर साइड में लगा दिया है, और इन लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल भेजने का काम बखूबी किया, और जो लोग यहाँ पर परेशान हैं उनको जो है घर भेजने का यहाँ का उत्तर प्रदेश प्रशासन के, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लोग यानी पुलिस के लोग जो है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंद।